गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो हमारा रनिंग चैप्टर है उसका जो कुछ बचा हुआ थोड़ा सा जो पार्ट है, दैट मीन्स साइकेडेलिक ड्रग, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बड़ा चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इसे बहुत सारे कंसेप्चुअल टॉपिक भी हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं नीट में। एटलीस्ट आप कंसिडर करके चलो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड रहेंगे, कभी कभी 3-2 भी होता है या 4 कभी कभी पूछ चुका है, बट जनरल 2-3 क्वेश्चन जो है इसके वेटेज होते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है साइकेडेलिक ड्रग। साइकेडेलिक ड्रग या इसी को कहते हैं हैलुसिनोजेन। तो हैलुसिनोजेन एक ऐसा ड्रग है जो हमारे बिहेवियर को, जो हमारे फिजियोलॉजिकल को और हमारे जो एक्साइटमेंट स्टेट हैं उन सबको बिना कोई नर्वस सिग्नल के, यानी हमारे जो नर्वस स्टिमुलाई हैं बिना उसमें कोई चेंज किया या उससे बिना कोई रिप्लाई आए हुए, इन सब चीजों में वो चेंजेस कर देता है। तो ऐसे ड्रग को हम लोग कहते हैं साइकेडेलिक ड्रग। आज इसमें भी हम लोग थोड़ा फटाफट लिखने का ही काम करेंगे, जैसे कल हम लोगों ने उस टॉपिक को साइकोट्रॉपिक ड्रग को हम लोगों ने देखा था। साइकोट्रॉपिक ड्रग में हम लोगों ने मॉर्फिन, कोडीन, ये सारी चीज को किया था। तो उसी तरह यहाँ इसमें हम लोग कॉम्प्लीट करेंगे। आइए चलिए हम लोग लिखते हैं अब ये साइकेडेलिक ड्रग। तो हैलुसिनोजेन प्रोड्यूस ए ड्रीम लाइक स्टेट। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले यस, चलिए लिखते हैं ड्रग चेंज बिहेवियर हाउ फीलिंग। ड्रग चेंज behavior how feeling and perception without perception without any actual sensory stimulus. Hallucinogen produces a dream like state. देखिए यहां पर हमने ये क्या क्या लिखा है, तो एनी ड्रग किस चीज में चेंज कर रहा है, हमारे थॉट में, हमारे बिहेवियर में, हमारे फीलिंग में, ठीक है, और बिना किसी सेंसरी स्टिमुलेशन के ये सारे चीज में चेंजेस कर देता है। चेंजेस हमारे बॉडी में हमेशा ही कुछ ना कुछ होते रहते हैं। कभी हम रोते हैं तो रोने के लिए हमारे अंदर सेंसरी स्टिमुलेशन आता है। जब हम उस तरह का फीलिंग हमारे अंदर जगा तो एक स्टिमुलेशन आया जिससे हमें सिग्नल दिया रोने का। कभी हम हंसते हैं तो ये चेंजेस हैं हमारे बॉडी में। तो चेंजेस तो हमेशा होता है, लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वह है विदाउट एनी एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलेशन, यानी इसका सिग्नल हमारे ब्रेन से नहीं आया लेकिन फिर भी ये सारे चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। कब? जब हम इस ड्रग को लेते हैं तब। तो यानी हैलुसिनोजेन प्रोड्यूस ए ड्रीम लाइक स्टेट, यानी हम एक अनोखी सपनों की दुनिया में जीते रहते हैं। इतना फीलिंग अच्छा होता है लेने के बाद तो हम एक सपनों की अनोखी दुनिया में जीते हैं, ऐसे इस ड्रग के वजह से होता है। हैलुसिनोजेन दो तरह का है, आप जानते हैं, कल हम करा चुके थे। इट इज 2 और फर्स्ट में देखेंगे हम लोग नेचुरल हैलुसिनोजेंस और
इसमें फर्स्ट देखेंगे एलएसडी, एलएसडी को बोलते हैं हम लोग लिसर्जिक लिसर्जिक डाइथैलामाइड इसका केमिकल फार्मूला होता है एलएसडी का C15H15N2CON C2H5H5 2। इट इज क्रिस्टल ऑल्कलॉइड, इट इज क्रिस्टल अल्कलॉइड। केमिस्ट्री वाले वगैरह अल्कलॉइड वगैरह बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप लोग का भी पार्ट है केमिस्ट्री, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्रिस्टल का मतलब जो चमकीला, जैसे शुगर हम लोग घर में यूज करते हैं, तो शुगर से भी ज्यादा जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो उसको यानी इस तरह के स्ट्रक्चर वाले को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्रिस्टल अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम इर्गॉट। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं इर्गॉट डिजीज इन राई, क्लास 11th के फंगाई वाले टॉपिक में हमने कराया है आपको, तो उस चीज को अगर आप याद करेंगे तो इर्गॉट डिजीज जो है वो फंगस की वजह से होता है राई प्लांट में। तो उसी तरह यहाँ पर ये कहाँ से लेते हैं हम लोग, इर्गॉट से लेते हैं, और इर्गॉट ये हम आपको दे देते हैं फंगाई का नाम है आप लोग इसको खोल के देखेंगे मिलेगा फंगाई बाद में क्लाइविस परपीरियस, वो इर्गॉट का फॉर्मेशन कराता है। तो ये यहां से लेते हैं और इसको हम लोग हमेशा स्मोक करते हैं, यानी सूंघ के लेते हैं, पी करके लेते हैं। इट इज ऑलवेज स्मोक। एलर्जी काउज हॉरिबल ड्रीम, एलर्जी काउज हॉरिबल ड्रीम, इमोशन हैलुसिनेशन। अब इसका एक स्ट्रक्चर आपको हम बनाते हैं फटाफट, आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे एक। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे और C2H5। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा कौन सा, तो सबसे पहले कंप्लीट हुआ एलर्जी लिसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड। इसके बाद में सेकंड में है हमारा मैस्कैलिन, सेकंड इज द मैस्कैलिन। ओके, तो अब हम लोग सेकंड में देखेंगे उसको, आपका यह स्ट्रक्चर हो गया।
दिस इज द एलएसडी, आप इसमें लिख देंगे फिगर में एलएसडी। आइए अब सेकंड में मैस्कलीन की जब बात करते हैं कि इट इज व्हाइट पाउडरी अल्कलॉइड, इट इज व्हाइट पाउडरी अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्मॉल स्पाइनलेस कैक्टस, कैक्टस पेयॉट, कैक्टस भी इसको कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पेयॉट कैक्टस। इट इज लो पोटेंसी हैलुसिनोजेन, इट इज लो पोटेंसी हैलुसिनोजेन्स। उसके बाद में है कैनाबिनॉइड, बी हुआ था हमारा, ये ए हुआ था हमारा, सबसे पहले हम लोगों ने एलएसडी को देखा, बी मैस्कुलिन एंड सी CANNABINOIDS, cannabinoids, product of hemp plant, product of hemp plant, product of hemp plant. Cannabinoids are group of chemicals cannabinoids are group of chemicals obtained from leaves, resin and inflorescence of hemp plant. Cannabis sativa इसी को कैनाबिस इंडिका भी कहते हैं, दे इंटरैक्ट विथ ये हमारे ब्रेन के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर लेता है, कौन कैनाबिस सटाइवा या जो इंडिका कह रहे हैं, इसके लिए इसको बाइंड करने के लिए हमारे ब्रेन में एक रिसेप्टर होते हैं जहां पर ये जाकर के बाइंड करके और अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो दे बाइंड विथ दे इंटरैक्ट विथ कैनाबिस रिसेप्टर प्रेजेंट मेनली इन ब्रेन, कैनाबिस रिसेप्टर इंटरैक्ट विथ ब्रेन रिसेप्टर
विथ कैनाबिस रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। दीज आर फोर टाइप्स ऑफ कैनाबिस कैनाबिनॉइड। दीज आर टाइप्स ऑफ नॉइज। तो भांग, चरस, गांजा, ये सब जो है वही इसके चार टाइप हैं। तो उसके पहले इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे कि इसका भी एक स्ट्रक्चर है कैनाबिस सटाइवा का, सॉरी हाँ जिसमें कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल होते हैं। कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल देखिए गांजा, इट इज ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड, इट इज ड्राइड अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरिसेंस यानी कि अनफर्टिलाइज जो फ्लावर का जो पार्ट है वहां से यह सूखा हुआ पार्ट है, ड्राइड मतलब सूखा हुआ पार्ट। और किसका सूखा हुआ पार्ट, तो ऐसा फ्लावर जो फर्टिलाइजेशन अभी नहीं किया है उसका, उस फीमेल फ्लावर का अनफर्टिलाइज पार्ट जो है लेकर के हम लोग फीमेल फ्लावर के अनफर्टिलाइज पार्ट को सुखा करके यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग गांजा कहते हैं। ठीक है, ऑफ कैनाबिस सटाइवा, किसका, कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिस सटाइवा के फीमेल फ्लावर पार्ट को, जो अनफर्टिलाइज पार्ट है फीमेल का, उसको सुखा करके इसको यूज करते हैं। इट इज स्मोक, तो इसको कैसे लेते हैं, स्मोकिंग करके, स्मोक जनरली विथ सिगरेट, सिगरेट के साथ में। उसके बाद में आइए देखिए भांग, भांग जो है वह सूखा हुआ या फ्रेश लीफ होता है। And flowering shoot of flowering shoot of both male and female, male and female plant of cannabis sativa सटाइवा टेकिन जनरली टेकिन ओरली। तो ज्यादातर इसको हम लोग कैसे लेते हैं, तो ज्यादातर हम लोग इसको ओरली लेते हैं।
ओके। अब आइए थर्ड में देखेंगे चरस, ड्राइड रेजिनियस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एस एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑफ लॉबरिंग टॉप ऑफ एंड लॉबरिंग टॉप लीक ऑफ कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिस सटाइवा का जो फ्लावर का जो टॉप या लीफ का जो टॉप पार्ट है, तो वहां से उसके रेजिनियस एक्सट्रैक्ट को लेकर के हम लोग इसको तैयार करते हैं। किसको? तो चरस को। इट इज मोस्ट पोटेंट एंड स्मोक, इट इज मोस्ट पोटेंट एंड with tobacco. चरस इज कॉल्ड हशीश, चरस इज ऑल्सो कॉल्ड हशीश, एच ए एस एच आई एस एच हशीश, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो चरस को ही हम लोग हशीश भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है थर्ड वन, तो यहां तक ये कौन सा हुआ? पहला गांजा, सेकंड में हमारा भांग, और थर्ड में हमारा चरस, और फोर्थ में मैरिजुआना। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है, ये एनसीईआरटी में है, तो इसीलिए यहां से कुछ भी एक चीज को हटा के और पूछ देगा कि यहां पर क्या मिसिंग है। तो स्ट्रक्चर को इसका थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए जरूरी है। ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल जो है उसके स्ट्रक्चर को, और ये देखते हैं मैरिजुआना, मैरिजुआना में देखिए ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड फ्लावर एंड टॉप लीव्स ऑफ ह्यूमन प्लांट ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ कैनाबिस सटाइवा। धतूरा एंड बेलाडोना, ये तो फोर्थ हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में इसको कर सकते हैं, धतूरा एंड बेलाडोना मिस यूज है एज ए हेलुसिनोजेन के रूप में। किसका? तो धतूरा का और बेलाडोना का। एक्चुअल में तो मिस यूज के रूप में एज ए हेलुसिनोजेन इसको यूज कर लेते हैं लोग, ठीक है। खास करके बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भांग में धतूरा के बीज को मिला करके, क्योंकि उससे जो है वो नशा ज्यादा होता है,
वो ज्यादा पोटेंसी दिखाता है, तो इसलिए धतूरा का बीज और भांग को मिला के भी लोग खाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे खाना नहीं चाहिए, खाने का तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को कुछ भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो सीड ऑफ धतूरा एंड एरियल पार्ट ऑफ बेलाडोना, सीड ऑफ धतूरा एंड एरियल पार्ट ऑफ बेलाडोना, एरियल पार्ट ऑफ बेलाडोना आर मिस यूज फॉर देयर हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। अब आइए सिंथेटिक में, तो ए तो हम लोग नेचुरल देखे थे और बी जो है वह सिंथेटिक में कुछ खास नहीं है। तो सिंथेटिक में फेनिलसाइक्लिडीन, कैप्रिलिडीन, फेनिलसाइक्लिडीन, कैप्रिलिडीन, पॉपुलरली कॉल्ड एंजल डस्ट। इसको वेटनरी के डॉक्टर जो हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, यूज बाय वेटनरी डॉक्टर्स। तो ये जो है वो हमारा साइकेडेलिक ड्रग भी कंप्लीट हो गया, और साइकेडेलिक ड्रग के बाद में एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, देखिए ड्रग का एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है कि जब हम कभी कभी पर डे उस ड्रग को लेकर के और बिना उसके लिए हमें अपने आप को कंफर्टनेस महसूस नहीं करते, यानी उसके लिए एडिक्टेड हो जाते हैं। ये दो वजह से होता है, या तो साइकोलॉजिकल इशू होता है या तो फिजियोलॉजिकल इशू होता है। साइकोलॉजिकल इशू की जब तक हम उसको नहीं लेंगे तो हमारे मेंटली परेशान रहेंगे, कमी महसूस होता रहेगा कि अरे मुझे ये चीज लेना है, दिमाग में चलता रहेगा। जैसे बहुत सारे लोग कफ सिरप के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, यानी जब तक नहीं लेंगे उनको नींद नहीं आएगी। तो वो क्या हुआ, बॉडी में उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसे खांसी है, उसे इसलिए है क्योंकि वह हैबिचुएट हो गया उस चीज का। तो वैसे ड्रग के एडिक्शन को हम लोग कहते हैं ड्रग एडिक्शन या ड्रग डिपेंडेंस। तो नाउ इज पॉपुलरली कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंस। तो जब किसी पार्टिकुलर ड्रग के लिए हम या तो साइकोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल हैबिचुएटेड हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग एडिक्शन ऑफ ड्रग या ड्रग डिपेंडेंस। तो स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ एन डिपेंडेंस ऑफ एंड
इंडिविजुअल टू द इंडिविजुअल टू द इंटेक ऑफ ड्रग इंटेक ऑफ ड्रग ड्यू टू रिपीटेड यूज ड्यू टू रिपीटेड यूज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन तो ये कितने वजह से तो इट इज टू टाइप कौन कौन सा एक हो सकता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस और दूसरा है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस तो दोनों में से किसी भी एक वजह से हो सकता है साइकोलॉजिकल जैसे हमने कफ सिरप का एग्जांपल लिया कि ना तो उसको बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्शन के लिए उसकी जरूरत है और ना ही कोई ऐसा डिजीज है लेकिन फिर भी वो लोग ले रहे हैं नहीं लेंगे तो उनको नींद नहीं आए डेट मीन साइकोलॉजिकल चेंज ये डिपेंडेंस हो गया और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस जैसे बहुत सारे जो एथलेटिक्स पर्सन होते हैं वो स्टेरॉयड का यूज करते हैं तो वो क्या हो गया फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गया कि नहीं लेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे वो काम तो बॉडी का उनका वो डिपेंडेंसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हो गया तो ओके ये अब हमारा एक टॉपिक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडोलिसेंस एंड एडोलिसेंस एंड ड्रग अल्कोहल एब्यूज ड्रग अल्कोहल एब्यूज देखिए क्या होता है ये ड्रग अल्कोहल एब्यूज करने का मतलब कि जब कोई भी पर्सन एडोलिसेंस का मतलब हुआ कि जिस एज में सेक्सुअल बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं यानी प्यूबर्टी स्टेज के बाद में जब हम तुरंत अभी मैच्योरिटी स्टेज में जाते हैं तो दैट इज द एडोलिसेंस तो इस स्टेज में किसी फैक्टर की वजह से जैसे एक्साइटमेंट की वजह से एडवेंचर की वजह से या एक्सपेरिमेंट की वजह से हम अल्कोहल की ओर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इस एज में एडवेंचर कुछ करने का ज्यादा मन करता है और जिसके वजह से हमें लगता है कि अल्कोहल लेने से कुछ नयापन मिलेगा और उस एडवेंचर के लिए हम लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं फर्स्ट टाइम अल्कोहल जो कोई पीता है वो एक्सपेरिमेंट होता है और सेकेंड टाइम जो अल्कोहल पीता है अल्कोहल या किसी ड्रग को लेता है तो वो अपने प्रॉब्लम या टेंशन से भागने के लिए ऐसा करता है वो चाहता है कि हमारा ये प्रॉब्लम या टेंशन जो है एस्केप कर जाए जैसे एग्जामिनेशन के पहले पूरे साल एकेडमिक ईयर में सही से पढ़ाई नहीं होगी एग्जामिनेशन के दिन में लगेगा कि कुछ भी याद नहीं है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि जब अल्कोहल लेगा तो नींद अच्छे से आएगी टेंशन रिलैक्स हो जाएगा तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट होता है सेकेंड टाइम फॉर एस्केपिंग ऑफ प्रॉब्लम और देन थर्ड टाइम से लेटर इज यूज टू अब उसके लिए यूज टू हो जाएगा तो वो कंप्लीट इसकी ओर अट्रैक्टेड हो जाएगा तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग प्यूबर्टी टू एडोलेसेंस पीरियड प्यूबर्टी टू एडोलेसेंस पीरियड द एक्साइटमेंट
एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंटेशन एक्साइटमेंट एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन आर कॉमन कॉजेस टू कॉमन causes to common causes common causes common causes motivate youngster youngster to drug and अल्कोहल। तो बताए थे यंगस्टर को ये सारे चीज के वजह से, यानी एक्साइटमेंट की वजह से, एडवेंचर की वजह से या एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस फेज में कब से फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडोलिसेंस इस फेज में ये सब चीज करने का ज्यादा जरूरत होता है, उसके अंदर ये चीज करने का ज्यादा मन करता है और इसी वजह से इसके तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल में भी द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल में भी द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल में भी एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन बट लेटर ड्यू टू But later due to state facing problem such as examination। तो चाहे वो एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम फेस कर रहा हो या ये सारे चीज को फेस करने के वजह से वो इस चीज को एस्केप करने के लिए ऐसा कर लेता है। देन दे मे बी यूज टू और उसके बाद वो यूज टू हो जाता है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? Effect of drug abuse। पहला effect nervousness and psychosis। Nervousness and psychosis। Nervousness and psychosis का मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, ना उसे अपने बॉडी पे कॉन्फिडेंस रहेगा, ना वो क्या करने वाला है इसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो नर्वस रहेगा वो, और इसके लिए वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब। साइकोसिस का मतलब वही चीज हुआ, यानी मेंटली वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है वो मेजर फैक्टर होता है, ठीक है, सब जब इफेक्ट या कोई ड्रग का या फिर अल्कोहल का वो एडिक्टेड होता है या एब्यूज होता है। उसके बाद में देखिए एड्स एंड हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? एड्स एंड हेपेटाइटिस के चांसेस क्यों? क्योंकि वह अनसिक्योर या अनहाइजेनिक जो है वह इंजेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। एक ही इंजेक्शन को बार बार लेगा या किसी भी तरह से ले लेगा तो उसे पता ही नहीं रहेगा, वो नर्वसनेस तो पूरी तरह से खत्म है उसका, यानी कॉन्शियस तो है नहीं, तो इम्प्रॉपर वे से या अनहाइजेनिक वे से कंटिन्यू इंजेक्शन वगैरह लगा करके ड्रग को लेना स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से उसमें एड्स एंड हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड में देखिए मिस यूज ड्रग बाय सर्टेन स्पोर्ट पर्सन। मिस
मिसयूज ड्रग बाय सर्टेन एस्कॉर्ट्स पर्सन। ये सभी लोग जानते हैं, अभी हम जो डिस्कस किए थे स्टेरॉयड के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे ड्रग होते हैं जिसे अगर एट ए टाइम हमने लिया तो हमारे बॉडी के सेल इतने ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं कि वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से, नॉर्मल फंक्शन से 10 times एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा और 10 times एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो जाएगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा ताकत महसूस होगी और हमारा क्षमता जो है वो 5 kg उठाने का है तो हम 10 kg का भी वेट उठा सकते हैं। तो इतना वो पावर स्टिमुलेट ज्यादा कर देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट अलग बात है, बहुत खराब होता है। तो इसीलिए जितने भी एथलेटिक्स जो डिपार्टमेंट है हर कंट्री के, उन्होंने इसको बैन कर रखा है कि आप इस तरह कोई भी स्टेरॉयड यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो पर्सन जो एथलेटिक्स सेलेक्ट होते हैं उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई स्टेरॉयड तो नहीं है, तो ये सारे चीज जो है उसमें ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो एथलेटिक्स पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन क्या होते हैं, उसका उस ड्रग का मिसयूज करते हैं। उसके बाद देखो इसका फोर्थ इफेक्ट इम्पोटेंसी और क्रोमोसोमल एब्रिवेशन। इफेक्ट ऑन किडनी, इम्पोटेंसी का मतलब स्टेरिलिटी का कंडीशन आना, और क्रोमोजोमल एब्रिवेशन का मतलब कि क्रोमोजोम में कोई डिसऑर्डर आएगा जिसके वजह से उसमें जेनेट उसके आने वाले जो प्रोजेनी ये आने वाले जो जेनरेशन है उसमें डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इफेक्ट ऑन किडनी और हार्मोनल चेंजेस। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी ये चीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो काउंसलिंग करके लोगों को इसके बारे में, जो बच्चे या जो स्टूडेंट इस तरह से करने वाले हैं उनको काउंसलिंग करेंगे, उसके इफेक्ट के बारे में उसको बताएंगे, प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है वो उसके प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, ड्यू किसी काम को ज्यादा करने की प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तुम्हें ऐसा ही करना है हर वक्त, ये नहीं। हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता है, किसी को खेल कूद में है, किसी को पढ़ने में है ज्यादा, किसी को किसी चीज में है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट हमेशा अपने बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं तुम्हें ऐसा करना है ऐसा करना। जरूरी नहीं कि हर किसी को पढ़ाई में ही मन लगे, अगर हर कोई पढ़ने लगेगा तो ना कोई सचिन तेंदुलकर निकलेगा ना ही कोई फिर दूसरा रविंद्र बिंद्रा निकलेगा। तो ये हर किसी का एक अपना है, ना कोई शाहरुख खान बनेगा ना कोई सलमान खान बनेगा। तो सोसाइटी में हर किसी का एक अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो वैसे प्रेशर को जिसकी जरूरत नहीं है, यानी अनड्यू प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड में देखिए एजुकेशन एंड काउंसलिंग, अभी जो आप बताए थे एजुकेशन एंड काउंसलिंग, और थर्ड में सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, और फिर देखिए सीकिंग फॉर डेंजरस साइंस।
तो ये सारे जो है वो क्या है, प्रिवेंशन है। किसकी? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है किसके? तो जो ड्रग के लिए अब्यूज हो रहे हैं उसके लिए यह एक तरह से कहें तो मतलब प्रिवेंशन है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या क्या है, तो हम बता रहे हैं कि अवॉइड करते हैं अनड्यू पीयर प्रेशर, यानी वैसे चीजों के लिए बिना जिस प्रेशर की जरूरत नहीं है उसे फालतू का प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर कोई पर्सन एडिक्टेड हो चुका है किसी ड्रग का या अब्यूज हो चुका है तो उसका प्रॉपर वे में उसको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि अगर ऐसा तुम कर रहे हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है तुम्हें, और साथ ही साथ यानी वही चीज हुआ उसका उसके बारे में बताना और उसकी काउंसलिंग करना। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर्स, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट यानी पेरेंट्स, हर कोई अपने पेरेंट्स से ज्यादा इमोशनली अटैच होता है और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जो है वो अपने पेरेंट के सहयोग से झेल जाता है। तो जब पेरेंट का उसके ऊपर भरोसा रहेगा, पेरेंट का उसका साथ रहेगा तो वो उस चीज से दूर हट सकता है। तो उसी को कह रहे हैं कि सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर। फिर है सीकिंग फॉर डेंजर साइन, तो देखना पड़ेगा कि कहीं वो डेंजर साइन में तो नहीं है, अगर डेंजर साइन में है तो या तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन कराएंगे। इसी वजह से बहुत सारे जो है नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। नशा मुक्ति केंद्र का मतलब कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया है किसी चीज का तो उसको वहां जाके रख दो 6 महीना 1 साल, वो लोग उसे धीरे धीरे काउंसलिंग करके, और वो चीज जब प्रोवाइड ही नहीं मिला, एक तरह से कहें तो हंसता खेलता जेल जिसमें जाकर के रख दिया जाएगा, आपको सारा चीज मिलेगा, खाने पीने का सब चीज टाइम पे मिलेगा, लेकिन जिस चीज के लिए आप एडिक्टेड हो गए हैं आपको वो चीज नहीं मिलेगा। तो आप उसको कह सकते हैं कि एक तरह से वो जेल है। तो जेल का मतलब मान लो कि कोई अल्कोहलिक पर्सन है और वो बिना अल्कोहल का नहीं रह पाता तो उसको वहां जाके रख देंगे, अब वो वहां से भाग नहीं सकता है, और दूसरा चीज कि उसको वहां से अल्कोहल मिलेगा ही नहीं। तो 1 साल 6 मंथ टू 1 ईयर तक रख करके या 2 ईयर तक रख करके जब 1 साल तक नहीं पिएगा तो यानी उसका बॉडी अब धीरे धीरे उसके बिना भी हैबिचुएटेड हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे काउंसलिंग और बहुत सारे इसके लिए उपाय है, इसको कर करके जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो है ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चों, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के बाद इस यूनिट में जो सेकेंड चैप्टर है वो है स्ट्रैटेजी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड, यानी कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी ली जाए जिससे फूड का एनहेंसमेंट होगा, तो वो सेकेंड चैप्टर है, उसको हम लोग अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक ये चैप्टर हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, और इस टॉपिक के लिए आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन इस टॉपिक का एनसीईआरटी से ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो जितने भी कैनाबिनॉइड्स के बारे में उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी देखो पहले एक बार एनसीईआरटी कहां तक की बातों को दिया है, तो 1 से 2 बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लें, कुछ छूटे हुए अगर पॉइंट है तो एनसीईआरटी से आप उसको इसमें ऐड कर लें, बट मोस्टली मैंने ये सारा चीज कवर कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे कौन सा, तो स्ट्रैटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड, ठीक है। यहां तक ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, तो अब आप इसके एमसीक्यू वगैरह को अच्छे से लगाना स्टार्ट कर लीजिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद में फिर हम लोग इसके कभी कुछ एमसीक्यू के जो डाउट रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज का है, और पूरा चीज शुरू से याद कीजिए, यानी कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वह था हमारा डिजीज, यानी कि पैथोजेन के नाम और डिजीज के नाम, किस पैथोजेन से कौन सा डिजीज होता है। सेकेंड पोर्शन था इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में 2 पोर्शन देखे थे, इनेट और एक्वायर्ड, और थर्ड पोर्शन जो है वो हम लोग देखें एडिक्शन, तो टोबैको का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, ड्रग का एडिक्शन, इस तरह से सारा चीज हम लोगों ने इसमें ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।